फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं UP SSC की तरफ से आए न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड, UP SSC की तरफ से आपकी एक न्यू वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। फ्रेंड, ये जो आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है जूनियर असिस्टेंट के पोस्टेस के लिए, आपका ये न्यू नोटिफिकेशन जारी हुआ है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1262 पोस्टेस के लिए आपकी वैकेंसीज आउट हुई है। आपका जो बात करते हैं फ्रेंड्स डिटेल्स वाइज वैकेंसीज के बारे में, जनरल्स की आपकी 515 पोस्टेस पर वैकेंसीज आउट हुई है। EWS की 125 पोस्टेस पर वैकेंसीज आई है। OBC की 338 पोस्टेस पर वैकेंसीज आई हुई है। SC की 257 पोस्टेस पर वैकेंसीज आई हुई है और आपकी ST की 27 पोस्टेस पर यहाँ पे वैकेंसीज आउट हुई हुई है। तो टोटल फ्रेंड 1262 पोस्टेस पर यहाँ पे आपकी वैकेंसीज आई हुई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर जो आपने 12th पास किया हुआ है किसी भी बोर्ड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस साथ ही साथ फ्रेंड्स आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है, आपने CCC एग्जाम पास किया हुआ है तो आप इनके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर जो आपने 2021 का आपके पास UP SSC की तरफ से जो पैट एग्ज़ाम होता है वो आपने दिया हुआ है, उसका एक स्कोर कार्ड आपके पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे जो हिंदी की टाइपिंग स्पीड है 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश की टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 ही और मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 ही रखी गई है। प्लस फ्रेंड्स कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देखने के लिए भी मिलता है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो 21 अक्टूबर 2022 को जारी कर दिया गया ऑफिशियली। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आपकी 21 नवंबर 2022 को होने वाले हैं। लास्ट डेट आपकी 14 दिसंबर 2022 रखी गई है। करेक्शन आप अपना एप्लीकेशन में 21 दिसंबर 2022 तक कर पाएंगे, 21 दिसंबर 2022 तक कर पाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अनरिजर्व OBC EWS के यहाँ पे आपके 25 रुपये लगने वाले हैं। SC ST के भी यहाँ पे आपके 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, जो रिटर्न एग्ज़ाम फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है जो आपका 65 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपका उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दैन फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। सैलरी की बात करिए तो 20,200 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। प्लस इसके साथ आपको अदर अलाउंसेंस भी मिलने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए आप UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट UP SSC.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। हिंदी इनसाइट्स एंड राइटिंग एबिलिटी के 60 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट के 30 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। जनरल नॉलेज के 40 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। तो फ्रेंड्स आपके 130 क्वेश्चन आने वाले हैं 65 मार्क्स के। पेपर आपका MCQ बेस्ड होगा। एक घंटा 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आपका आपकी जो MCQ परीक्षा टेस्ट होगा। बात करते हैं सिलेबस के बारे में, क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। जनरल नॉलेज का इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस, फ्रीडम मोमेंट, इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड पॉपुलेशन, करंट अफेयर ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट डे, द फोकस विल बी ऑन नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल सोशल रिलीजियस एंड पोलिटिकल पार्टीज। इनसे रिलेटेड आपकी जो आएगी क्वेश्चन इसमें से आएंगे। अंडर इंडियन फ्रीडम मोमेंट नॉलेज अबाउट नेचर एंड द स्पेशलिटी ऑफ इंडियन फ्रीडम मोमेंट, राइज ऑफ नेशनलिज्म, फिजिकल इकोलॉजी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिकल सोशल एंड ट्रैफिक इशूज़। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंट टेस्ट का आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रोग्राम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, इल्यूमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, मैथमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वेरिएबल सीरीज, क्वेश्चन टू टेस्ट अ कैंडिडेट एबिलिटी टू हैंडल एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड दे रिलेशनशिप मैथमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस। हिंदी का सिलेबस देखते हैं फ्रेंड। रस, मुहावरे, अलंकार, समास, विलोम, संधि, पर्यायवाची, लोकेतिया, तस्यम, तद्भव तस्यम, वाक्यों के लिए एक शब्द, कारक, काल, प्रवर्तनी, त्रुटि से संबंधित, अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन। तो फ्रेंड्स ये आपका हिंदी का सिलेबस रहने वाला है।